Okay, so we'll be discussing some more facts about Bohr's model of atom. Okay, right. So if you remember, I just told you about the Bohr's model of atom. Okay, let's discuss some important postulates about Bohr's model of atom. Okay. तो अब हमारे पास सारे के सारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये है कि एटम जो होता है उसके अराउंड में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, ठीक, कि न्यूक्लियस जो होता है ये किसी एटम के बीच में होता है, सम पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर, ठीक है कि नहीं, है ना। तो न्यूक्लियस जो होता है इट इज सम पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर। ओके, लेट मी राइट। जो न्यूक्लियस होता है इट इज सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिवली पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर। और इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, क्या क्या होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और प्लस इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है कि नहीं। अब ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, दे आर टूगेदर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। ओके, दे आर टूगेदर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स, राइट। तो न्यूक्लियस जो होता है ना, इसके बारे में कहा गया था इसका वॉल्यूम जो होता है इज वेरी स्मॉल। इसका वॉल्यूम जो होता है ना इज वेरी वेरी स्मॉल। न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो है वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। इसकी रेडियस जो होती है दैट इज ऑलमोस्ट 10^-15 meters, ओके, विच इज ऑलमोस्ट 1.12, अगर एग्जैक्ट मैं बताऊं तो इतने फर्मी मीटर्स की होती है, ठीक है कि नहीं, है ना, इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो होता है ना काफी छोटा होता है, ठीक है। इसकी डेंसिटी जो होती है, न्यूक्लियस की डेंसिटी वो काफी ज्यादा होती है, बहुत ही हाई डेंसिटी होती है, दैट इज ऑलमोस्ट 10^17 ओके केजी पर मीटर क्यूब, राइट। दिस वाज द डेटा अवेलेबल अबाउट द न्यूक्लियस, ओके, एंड ऑल दिस डेटा वाज प्रेजेंटेड बाय व्हाट, रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड ने इस सारे डेटा को कलेक्ट किया था, रदरफोर्ड ने हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी थी अबाउट द न्यूक्लियस, ठीक है, कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, किस तरह से होता है, सारी चीजें जो है रदरफोर्ड ने क्लियर करके रखी थी, ठीक है कि नहीं, है ना। व्हाट बोहर डिड, बोहर ने कहा ये जो न्यूक्लियस होता है इट इज एट द सेंटर, ओके, इट इज एट द सेंटर ऑफ एटम, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस लाइक दिस वे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ओके, इन सर्क्यूलर ऑर्बिट्स, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है बोहर मॉडल का, कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्क्यूलर ऑर्बिट्स कॉल्ड एज, और इन ऑर्बिट्स को क्या कहते हैं, इन ऑर्बिट्स को कहा जाता है एनर्जी लेवल्स, राइट, या इनको कहा जाता है स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, राइट। स्टेशनरी क्यों कहा जाता है इनको, स्टेशनरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन लेवल्स में जब तक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जब तक इन लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तब तक उसकी एनर्जी जो होती है ना वो ना तो लॉस होती है, ना तो कम होती है, और ना ही वो एनर्जी ज्यादा होती है, बढ़ती है, ठीक है। यानी इस तरह से हमने कहा कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ पर्टिकुलर शेल its energy remains fixed, right? किसी भी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मान लीजिए nth शेल में, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, दैट इज -13.6/n²(Z eV). ओके, दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज मूविंग इन सम आर्बिट्री nth शेल, ओके। सो ये एनर्जी जो होती है ना ये फिक्स्ड होती है, मीन्स जब तक इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर शेल में घूम रहा है तब तक इसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, ठीक है।
अब इलेक्ट्रॉन कब अपनी एनर्जी को लॉस करता है या कब अपनी एनर्जी को गेन करता है? एज आई टोल्ड इन प्रीवियस लेक्चर दैट ये तभी अपनी एनर्जी को लॉस करता है या तभी अपनी एनर्जी को गेन करता है जब इसमें क्या हो जाएगी, जब ये जंप करेगा, ठीक है, जब ये अपने शेल को एनर्जी लेवल को चेंज करेगा. ओके, सो वेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन शेल टू अदर इट्स एनर्जी चेंजेस. इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, इट्स एनर्जी चेंजेस, इसकी एनर्जी चेंज होती है, ठीक है. यानी अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, एक्साइटेशन में उसकी एनर्जी क्या होती है, उसको एनर्जी गेन करनी पड़ती है, ठीक है. अगर इलेक्ट्रॉन को लोअर शेल से हायर शेल में जंप करना है, दैट्स एक्साइटेशन, तो इसे एनर्जी को गेन करना पड़ेगा, ठीक है. और अगर डी एक्साइटेशन करनी है, मतलब हायर शेल से लोअर शेल में जंप करना है, तो इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, ये एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी. ओके, इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी, ठीक. सेकंड पोस्टुलेट जो था दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, इन अ पर्टिकुलर शेल इज ऑलवेज फिक्स्ड. ओके, जब तक ये इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर शेल में घूम रहा है तब तक इसका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज फिक्स्ड, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है. और उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है ln, दैट इज गिवन बाय n टाइम्स h क्रॉस, n टाइम्स h क्रॉस, दैट इज mh बाय 2π. ओके, ठीक है. सो आपने क्या सीखा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में मूव करते हैं, ठीक है, लेकिन इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स. And those orbits are called as what? Those orbits are called as energy levels or stationary energy levels. ठीक है कि नहीं? Electron जब तक उन orbits में move कर रहा है तब तक उसकी energy fixed है, constant है, वो energy ना तो loss कर सकता है और ना ही energy gain कर सकता है, ठीक है. Energy gain या loss तभी होगा जब electron excite होगा या electron de-excite होगा, otherwise energy loss possible नहीं है, energy gain possible नहीं है, ठीक है. Next thing कि किसी भी electron का जो angular momentum होता है in a particular shell, that's always fixed. Okay, angular momentum is n times h cross. Okay, this is the only possible values for the angular momentums, right? Right. These were the most important and prime points. ठीक है. Now, अगर हम देखें कि electrons किस तरह से distributed होते हैं around the nucleus, electrons are distributed in shells. Electrons distributed होते हैं in shells. As per 2n square scheme, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, as per 2n square scheme, है ना. यानी अगर आप देखोगे n is 1, मतलब आप देखना चाहते हो कि पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्स्ट शेल में, तो यू कैन हैव 2 into n के बदले 1, तो दैट्स 1 स्क्वायर, तो 2, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पहले शेल में, ठीक है. अगर आप n के बदले 2 वैल्यू दोगे तो आपको पता चलेगा क्या कि दूसरे वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज 2 into 2 स्क्वायर, दैट इज 8. ओके, ठीक है. अगर थर्ड शेल में देखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो यू मे से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर. ओके, दैट इज 9, 9 और 18. ओके, इज दैट क्लियर. ठीक है, सो पहले वाले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होल्स होते हैं, ठीक है. दूसरे वाले एनर्जी लेवल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीसरे वाले में 18 होते हैं, ठीक है कि नहीं. तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, एज पर दिस रूल, 2n स्क्वायर रूल, है ना. और इस 2n स्क्वायर रूल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बोहर बैरी स्कीम. इसका नाम है बोहर बैरी स्कीम, राइट. मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड में घूमते हैं इन शेल्स, लेकिन वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 18, इस तरह से बढ़ते जाते हैं, ठीक है. तो ये जो नंबर्स है ना, 2, 8, 18, ये जो है 2, 8, 18, they are called as magic numbers, right? मतलब बोहर के पास ये रीजन नहीं था कि why these electrons are distributed like this, ये electrons इसी तरह से क्यों distribute, ठीक है, कोई और arrangement क्यों नहीं, ठीक है, उसके पास इस चीज का answer नहीं था, ठीक है, right? So he said that electrons are distributed around the nucleus in this particular pattern, okay. So, in previous class, I derived the formula for kinetic energy of electron, potential energy of electron and its total energy, right? So, kinetic energy of electron was given by like this, it was m
जेड स्क्वायर ई रेज पावर 4 बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एंड एच स्क्वायर. ओके दिस वाज द फॉर्मूला. पोटेंशियल एनर्जी वाज गिवन बाय लाइक दिस वे इट इज. पोटेंशियल एनर्जी वाज गिवन बाय माइनस जेड ई स्क्वायर जेड ई रेज पावर 4 जेड स्क्वायर ई रेज पावर 4 एम बाय 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर. ओके दिस वाज द पोटेंशियल एनर्जी. And total energy was given by like this way, E is minus Z square E raised power 4 M by 4 pi epsilon naught. No, pi was not there, epsilon naught square, N square and H cross square. Okay, this was the total three formulas for kinetic energy, potential energy and total energy. Okay, now there are observations which are most important observations from the entrance point of view. You must remember those. First thing is that you can see the kinetic energy and this total energy. Kinetic energy and total energy almost have same expressions. Okay. I think almost they have same expressions. Z square, e power 4, e square, n square, s square. All of the things are common. Okay. So I can derive a relationship between them. I can write kinetic energy divided by total energy. Okay. If I divide them, what will happen? M z is power 4. It will be like this. M z square e power 4 by 8 epsilon naught square n square s square divided by this, it will be 4 epsilon naught square n square s square by z square e power 4 m. So remember, kinetic energy by total energy is nothing but it is 1 over 2. Okay, so I can say kinetic energy is twice the total energy. Okay, this is important, right? ठीक है, मतलब इन दोनों का रेशियो जो है that is 2:1. Okay, that's 2:1, right? Now next thing, if you do this calculation, kinetic energy divide to potential energy, you will again get it is 1/8, so you will again get -1/2. Okay, they also have really, they have this ratio 1:2. Okay, now last, potential energy to total energy, they bear the ratio 1:1. Okay. So whatever is the potential energy is the kinetic energy, is the total energy for the system. Okay? इस system की जो energy है ना, इस system की जो energy है, मतलब nucleus और plus एक electron, इसकी जो energy है, that is negative. Total में वो energy क्या आ रही है? Negative. You can see, आप देख लो, potential energy जो है ना, that is minus z square e power 4 m by 8 epsilon naught square n square h square. तो टोटल एनर्जी हियर इज नेगेटिव. टोटल एनर्जी यहां पर नेगेटिव है. नेगेटिव एनर्जी क्या सिग्निफाई करती है? नेगेटिव एनर्जी सिग्निफाइज बाउंड सिस्टम. ठीक है, बाउंडेड नेचर ऑफ सिस्टम. ये बाउंडनेस करती है सिग्निफाई. ठीक है, बाउंडनेस ऑफ सिस्टम. अब ये बाउंडनेस का मतलब क्या है समझ लीजिए. देखिए, अगर मैं इस तरह से लिखूं E दैट इज इक्वल टू, यू कैन से सर E पावर 4 m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर, दे आर ऑल कॉन्स्टेंट्स. ओके, तो दे आर ऑल व्हाट कॉन्स्टेंट्स, राइट? ओके, इट्स 4 हियर. ओके, दे आर ऑल कॉन्स्टेंट्स, राइट? इफ यू सब्स्टिट्यूट देयर वैल्यू, मींस आई एम सेइंग दिस e पावर 4 m बाय 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर एंड हियर इज z स्क्वायर बाय n स्क्वायर. ओके, ऑल ऑफ दीस थिंग्स आर कॉन्स्टेंट, ऑल ऑफ दीस, राइट? सो यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट देयर वैल्यू एंड एट लास्ट यू विल गेट -13.6 divided by n square into z square in terms of electron volts. Okay, this is the energy for what? The electron which is revolving in the first orbit. पहले orbit में जो electron revolve कर रहा है, ठीक है? अगर मैं hydrogen atom की बात करूं, for hydrogen, अगर मैं hydrogen atom की बात करूं, तो hydrogen atom के लिए z1 है. Means इसमें पहले electron की जो energy होगी ना, in first shell, n is equal to 1, तो energy will be -13.6 over 1 square 1 square electron volt. तो पहले शेल में इसकी एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. ओके, व्हाट डज दिस मीन? दिस नेगेटिव टर्म मीन्स दैट इट इज बाउंडेड, इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड. मीन्स अगर आप प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करोगे, तो व्हाट विल हैपन? ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, इट विल लीव इट्स पाथ. ओके, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, राइट?
सो आई एम सेइंग दैट अगर पहले वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ बाउंड करने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है, इतनी ही एनर्जी की जरूरत है इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, ठीक है। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी इसको लगेगी, दैट इज कॉल्ड एज, इफ यू रिमेंबर, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है दैट इज द मॉडुलस ऑफ ई, ओके, माइनस दैट इज ई, राइट। अगर पहले वाले शेल में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन उसके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से वो बाउंड किया गया है, मींस यू हैव टू सप्लाई +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा, ठीक है, इट विल गेट फ्री, राइट। सिमिलरली दूसरे वाले शेल में देख सकते हो आप, इट इज 2² डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए 1, तो इट विल बी -3.4, ठीक है। मतलब दूसरे शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कितनी एनर्जी से वो बाइंड किया गया है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है। इफ यू सप्लाई 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इट विल बिकम फ्री, अगेन इट विल बी फ्री, ओके। सो आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, हमेशा याद रखना आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी चाहिए होती है, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव ऑफ दिस थिंग, ओके, दैट इज +13.6 डिवाइडेड बाय m² इनटू z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, राइट। मीन्स जितनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को बाउंड करने के लिए जरूरत है उतनी ही एनर्जी उसको क्या है, फ्री करने के लिए भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है कि नहीं, है ना। सो यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड, ओके।